हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपके भाई अजय सिंह, आज आपको बता दूं भाई, जो ABCD आईडी है ना, सब स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जो नी स्टूडेंट जम्मू यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी है, सबके लिए भाई ज़रूरी है। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सब ना आई थिंक बना ली होगी, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बताऊंगा कि कैसे आपको ABCD आईडी कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको भाई क्या करना है, अपने फ़ोन में क्या करना है, जो आपके फ़ोन में प्ले स्टोर होगा उसको ओपन करना है। देन जहाँ पे भाई आपको सर्च करना है डिजी लॉकर। ठीक है, जो डिजी लॉकर आप जैसे जहाँ पे इंटर करोगे ना डिजी लॉकर, सो इंटर करने के बाद भाई आपको इस तरह का उसका इंटरफेस दिखेगा डिजी लॉकर का, इस तरह का इंटरफेस होगा भाई डिजी लॉकर जी जो दिख रहा है। ठीक है, सो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको जहाँ पे साइन इन कर लेना है, आपको एक आईडी बनानी है, आपको आपसे जो आधार कार्ड मांगेगा और उसे पे OTP आएगा। इसके लिए सबसे जो मेन चीज़ है भाई, जो आपके आधार कार्ड के साथ जो आपका फ़ोन नंबर लिंक होगा उस पे OTP जाएगी, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अगर जिसके भाई आधार के साथ कोई फ़ोन नंबर लिंक नहीं है, तो सबसे पहले उनको भाई अपने आधार कार्ड के साथ फ़ोन नंबर लिंक करवाना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना, डिजी लॉकर के आप जैसे अपना जहाँ पे साइन इन करोगे, ठीक है, और उसको साइन इन करना होगा सिंपल डिटेल, जहाँ पे पूछेगा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। ठीक है, उसको लॉग इन करने के बाद भाई डिजी लॉकर पर आपको किस तरह का इंटरफेस दिखेगा मैं बता दूँ आपको। सो भाई डिजी लॉकर जैसे ही आप ओपन करोगे ना अपने फ़ोन में, ठीक है, जैसे उसका सेटअप करोगे, तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा भाई, इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जब, तो उसके बाद क्या करना भाई, आपको क्या करना है कि जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना जे वाला, ABC बैंक वाला जे वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि ABCD आईडी वाला जहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलेगा भाई, जो जे वाला ऑप्शन है ना, अकेडमिक बैंक ऑफ इंडिया ABCD आईडी वाला, ज्वाइन हो वाले ऑप्शन पर आपको जहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप जहाँ पे क्लिक करोगे, तो उसके बाद क्या होगा भाई, इस तरह से आपको जहाँ पे डिटेल पूछेगा भाई, जहाँ का आपका जो डिटेल आधार नंबर जरा नाम सब कुछ आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे आपको सेशन जो आपका सेशन चल रहा होगा ना, सपोज कर 2022-23 जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, देन भाई जो आपके रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर जहाँ पे आपको कोई फिल करना, आपके पास अपना रोल नंबर है तो रोल नंबर क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे मैं रोल नंबर के पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, आपको जहाँ पे अपना कोई भी किसी पे भी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं रोल नंबर पे क्लिक करूँगा, उसके बाद भाई जहाँ पे आपको रोल नंबर अपना फिल करना होगा, ठीक है, आपको जम्मू यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होगा फिल करना है, उसके बाद नीचे सेलेक्ट इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करना है, और जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है भाई लिखना है जम्मू यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं। जैसे आप जम्मू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे, जहाँ पे सर्च करोगे ना सर्च बार में जम्मू यूनिवर्सिटी, सो उसके बाद क्या होगा भाई, सबसे ऊपर जहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, ठीक है, जम्मू यूनिवर्सिटी आपको सर्च करना है, तो जहाँ पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जहाँ पे दिख जाएगा, तो उस पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे आप देख सकते हैं ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पे भाई अपना रोल नंबर फिल करना है, आपको आकर अपना रोल नंबर पे क्लिक होगा, रोल नंबर फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक किया होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जहाँ पे फिल करना है। ठीक है, जैसे मैं जहाँ पे अपना जो मैंने रोल नंबर जो मेरे कॉलेज का रोल नंबर है, ठीक है, मैं जहाँ पे फिल करता हूँ अपना, ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना है, तो आपको जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ही जहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने जहाँ पे अपना रोल नंबर फिल किया, तो उसके बाद भाई थोड़ी देर बाद क्या होगा, मैं आपको अपना रोल नंबर फिल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो रोल नंबर फिल करने के बाद ही तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा भाई, कि आपको इस तरह का जे रोल नंबर फिल कर दिया, देन गेट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आपको भाई जहाँ पे क्लिक करना है। जैसे जहाँ पे क्लिक करोगे, तो जहाँ पे देखना आपको ABCD आईडी जो आपको इस तरह के आपके डाउनलोड हो जाएगी, सो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ABCD आईडी वाला ऑप्शन है, जहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो भाई जहाँ पे आपको तो देखना है ना, ठीक है, जी आपकी ABCD आईडी जो 12 अंक का नंबर है, जी ठीक है, जे वाला नंबर है, जे ही आपको भाई नोट करना है, कॉपी करना है, या साइड पे लिख के जो JUCC का ऑफिशियल ऐप है वहाँ पे आपको अपलोड करनी है। ठीक है, जे आपको याद रखना है, जे ही आपसी आपकी 12 डिजिट की ABCD आईडी है। ठीक है, इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं, आई होप आपको पता चल गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों का शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।